लेफ्ट वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या कहते हैं? एक तरह का वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करने, अगर फॉर एग्जांपल ये वेंट्रिकुलर सेप्टा के दरमियान में आती तो आपने क्या कहना है कि यार ये जो आरसीए की ब्रांच होती है जिसका नाम होता है पीडीए, ये कहाँ आ रही है? ये इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा को सप्लाई करती है। तो आपने क्या कहना है कि भाई जान ये जनाब आपकी इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा को सप्लाई करती है। तो आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आप लोगों ने ये लिखना है कि ये जनाब पीडीए जो होती है वो किसको सप्लाई कर रही है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा को, वन थर्ड ऑफ द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा, वन थर्ड ऑफ द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा को ये सप्लाई करती है। उसके बाद ये किसको सप्लाई करती है, देखें बच्चों ये आपकी वेंट्रिकुलर की वाल है, ठीक हो गया, तो ये वेंट्रिकल की वाल को भी सप्लाई करती है। तो आपने कहना है कि पोस्टीरियर सरफेस जो होती है ना वेंट्रिकल की, उसको कौन सप्लाई करती है? आप देखें ये वेंट्रिकल है ना, ये जो वेंट्रिकल है तो इसकी पोस्टीरियर सरफेस को कौन सप्लाई करेगा? तो बच्चों आप लोगों ने कहना है कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस जो होती है वेंट्रिकल की, उसको जो आर्टरी सप्लाई करती होती है वो पीडीए होती है। तो आपने कहना टू थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस सप्लाइड बाय पीडीए, ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम जाते हैं और आगे आगे इसको थोड़ा सा और देखते हैं। देखें बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, वो क्या है, आप लोगों ने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल जो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल उनके दरमियान में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मिट्रल वाल्व, ठीक हो गया। अब ये जो मिट्रल वाल्व होता है ना, अभी गौर करना है, जस्ट इमेजिन करें कि ये जनाब आपका क्या होता है एक तरह का, आपने ये इस तरह गौर करना है कि ये जनाब आपका लेफ्ट एट्रियम होता है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पे क्या वाल्व क्या पाया जाता है आपका, एक तरह का मिट्रल वाल्व पाया जाता है। अब बच्चों थोड़ा सा गौर इस तरह कीजिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जब ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, जैसे ही ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा तो ब्लड थोड़ा सा जब ये पीछे जाता है तो जो आपका मिट्रल वाल्व होता है ना वो क्लोज हो जाता है, समझ आ रही है ना, जो माइट्रल वाल्व होता है वो क्या होता है एक तरह का क्लोज हो जाता है। जब आपका माइट्रल वाल्व क्लोज होगा तो उस वक्त क्या होती है आपके दिल की पहली साउंड पैदा होती है, इसको अभी छोड़ दें, अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या कहना है कि लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, जैसे ही लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है ना तो आपका वाल्व क्लोज हो जाता है। अब जो आपके जो वाल्व क्लोज करते होते हैं ना उनके अंदर जो बुनियादी तौर पर जो मसल्स होते हैं ना उन मसल्स को हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या होता है एक तरह का पेपिलरी मसल्स। अब ये जो पेपिलरी मसल्स होते हैं ना ये आपके दो तरह के फाइबर से मिलकर बने हुए थे, ये दो तरह के मसल से मिलकर बने हुए थे। आपने क्या कहना है कि यार जो लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ये ब्लड जाता है और ये जो दरवाजा जो वाल्व है ये जो क्लोज होता है, इस वाल्व को क्लोज करने के अंदर किसका रोल होता है, पेपिलरी मसल का होता है। और जो पेपिलरी मसल्स होते हैं ये किसके, ये क्या हिसाब के होते हैं? आपने कहा कि हाँ जी जनाब ये पेपिलरी मसल होता है, ठीक हो गया, पेपिलरी मसल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेपिलरी मसल्स होते हैं ये बेसिकली आपके दो तरह के मसल से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? एक जो मसल होता है उसका नाम होता है जनाब आपका पोस्ट्रोमीडियल पेपिलरी मसल। क्या नाम होता है? पोस्ट्रोमीडियल पेपिलरी मसल, ठीक हो गया। दूसरा जो नाम होता है उसका नाम होता है एंट्रोलेटरल पेपिलरी मसल। आपने कहा एंट्रोलेटरल पेपिलरी मसल। अब बच्चों जो पीडीए होता है, पीडीए के अंदर क्या आता है, सबसे पहले पी आता है, तो पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल्स के अंदर पहले क्या आता है, पी आता है। तो आपने इसको याद कैसे करना है, आपने कहना है कि जिस मसल्स के अंदर पी आ रहा होगा ना उसको पीडीए सप्लाई करती है। और गलती समझ आ गई जे, आपने इसको बिल्कुल सिंपल इस तरह याद करना है ताकि आपके लिए याद करना मुश्किल ना रहे। आपने ये कहना है कि यार देखो पीडीए के अंदर क्या है, पी आता है, पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल्स के अंदर क्या है, पी आता है। जो आपकी पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल्स होती है उसको जो वेसल सप्लाई करती होती है वो कौन सी होती है, आपकी एक तरह की पीडीए होती है। तो आपने ये कह दिया कि हाँ जी जनाब जो पीडीए होती है वो किसको सप्लाई करती है, आपकी पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल को सप्लाई करती होती है। अब देखिए बच्चों आपके पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल को सप्लाई मिल गई, अगर पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल को सप्लाई नहीं मिलती तो क्या होगा, शाबाश मुझे ये बता दे। अगर पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल को सप्लाई नहीं मिलती तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका जो ब्लड होगा वो जनाब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एटीएम के अंदर जाएगा, मुझे ये बताएं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो लेफ्ट एटीएम के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दरवाजा बंद नहीं होगा। जब ये बंद नहीं होगा, जब ये ब्लड वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एटीएम के अंदर जाता है, इस कंडीशन को हम रीगर्जिटेशन कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? एक तरह का रीगर्जिटेशन कहते होते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, मिट्रल रीगर्जिटेशन। क्यों? क्योंकि इस वाल्व का नाम क्या आपका मिट्रल वाल्व है। तो अगर कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन के अंदर ये लिखा जाए कि हाँ जी जनाब एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है और उस पेशेंट के अंदर क्या देखा गया, मिट्रल रीगर्जिटेशन है, और मिट्रल रीगर्जिटेशन के अंदर जो आपके मसल जिनकी नेक्रोसिस देखी गई वो कौन से थे, पोस्ट्रोमीडियल पेपिलरी मसल्स थे जिनकी नेक्रोसिस देखी गई। विच ऑफ फॉलोइंग वेसल इज इन्वॉल्व्ड इन दिस वन,
अब मैंने इतना जो भाषण दिया ये एमसीक्यूज के लिए दिया था, अब हो सो आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, कौन सी वैसलीन वॉल्व होंगी? अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि हाँ जी जनाब आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट करता है और उस पेशेंट का हिसाब क्या है, उस पेशेंट का हिसाब इस तरह है कि हाँ जी जनाब आपका उसके अंदर माइट्रल रीगर्जिटेशन हो रही है और माइट्रल रीगर्जिटेशन के अंदर उसको हो क्या रहा है, माइट्रल रीगर्जिटेशन के अंदर उसका ये हिसाब हो रहा है तो उसका जो ब्लड है वो जनाब उसके अंदर जो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जा रहा है और उसके अंदर वो ये कहते हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो आपका पेपिलरी मसल्स आपके जो इन्वॉल्व है वो कौन से, आपके पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल्स हैं, तो इसके अंदर कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होगी, आपने कहना पीडीए। ठीक हो गया बच्चों, तो अभी तक जो पीडीए की बातें हमने डिस्कस की वो क्या गई, पीडीए की हमने ये बात डिस्कस की कि पीडीए इज अ ब्रांच ऑफ, पीडीए किसकी ब्रांच है, पीडीए इज अ ब्रांच ऑफ आरसीए नंबर वन, आरसीए की ब्रांच ही है ना। नंबर टू, पीजीए पीडीए सप्लाई द, पीडीए सप्लाई द, शाबाश, पीडीए सप्लाई द 1/3 ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा, नंबर टू। नंबर थर्ड, पीडीए पीडीए सप्लाई द 1/3 ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा, नंबर थर्ड, पीडीए सप्लाई द 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर सर्फस, नंबर फोर, आपने कहा पीडीएस अप्लाई था पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल। यहां तक कोई ऐसा बच्चा जिसके माइंड में कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन आता होता है, वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोगों ने कहना होता है कि हाँ जी जनाब जो पीडीए होती है वो किस वेसल को, वो किसको सप्लाई करती है, आपने कहना एवी नोड को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है, आपकी एक तरह की एवी नोड को सप्लाई करती है। एवी नोड को जो सप्लाई करेगी वो कौन होगी जनाब आपकी, आपने कहना पीडीए, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई द पीडीए, सॉरी एवी नोड सप्लाइड बाय द पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो इस तरह जहां से जिस तरह का भी थोड़ा बहुत भी एमसीक्यूज बनता रहेगा, हम लोगों की फुल कोशिश होगी कि हम उधर से एमसीक्यूज बनाएं ताकि आप लोगों को जो है वो इजी रहे और उसके अंदर से जो है ना वो आप लोग जो है वो इजीली इसको कवर कर सके। अब आगे आ जाओ जी, अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो दास पूछ लो। हाँ, मेरे मुंह से आप लोगों ने भाषण सुनना है, फिर आप लोगों को वो बुरा लगना है, फिर आप लोगों को कहते हैं ना कि अक्सर कहते होते ना, हाँ जी पीडीए, देखो कुछ ऐसे अल्फाज मत निकाला करो, आपकी बहनें आपके साथ बैठी हुई है ना तो बंदा थोड़ा सा हया कर लेता है कि बहने ऐसी बातें ना सुने, अगर मैं आप लोगों को गालियां निकालूं या कोई ऐसी बात निकालूं कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करूं तो आपकी बहन इतना उनको बुरा लगेगा, तो इस वजह से आप लोगों ने एक्टिव होके जवाब देते रहना कि सर जी समझ आ गई है, क्योंकि मेरी जो पढ़ाने की स्पीड और ये सारा कुछ जो है वो आप लोगों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपने गौर करना है। आरसीए, अगर पीडीए ना हो तो आरसीए, ठीक है, अगर पीडीए ना हो तो आरसीए। अब देखें उत्तर लेफ्ट एटीएम की सप्लाई तो नंबर 10 दिन ना आएगा, तो टेंशन क्यों लिख रहा है, थोड़ा सबर का, आप लेफ्ट एटीएम की सप्लाई वाली चल रही है कि ना, अभी मैंने पूरी ब्लड सप्लाई नहीं पढ़ाई। तो देखें जी यहाँ पे अगर आप गौर करो, आरसीए सप्लाई द एसए नोड ब्लड सप्लाई इनफार्क्ट में काज नोडल डिसफंक्शन ब्रैडीकार्डिया हार्ट ब्लॉक राइट अक्यूट मार्जिनल आर्टरी क्या करती है एक तरह की सप्लाई द राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक हो गया, आगे देखो जी, आगे क्या है, आगे देखें पीडीए सप्लाई द एवी नोड डिपेंडेंट ऑन द डोमिनेंट्स है, ये अभी मैं बताता हूँ ये डिपेंडेंट ऑन डोमिनेंट्स का क्या मतलब है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा को ये सप्लाई करती है, उसके बाद क्या पोस्टीरियर 2/3 ऑफ वॉल ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई करती है और पोस्ट्रोमीडियन पेपिलरी मसल को ये सप्लाई करती होती है। ठीक हो गया बच्चों, ये जनाब इस सबको सप्लाई करती है। अब देखो, अब आगे जनाब एक और बोला वो क्या है, देखें अब यहाँ पे हम लोगों ने ये सारा कुछ तो देख लिया था, अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट और आगे देखते हैं कि आगे का कैसे है। बच्चों आप लोगों ने देखा कि आरसीए को हम लोगों ने देख लिया, आरसीए की डिटेल हम लोगों ने देख ली, इसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनाब आपकी ये एक तरह की ये क्या निकलती है आपकी एक तरह की लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी, ये निकली लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी। ठीक हो गया बच्चों, अब जैसी ये लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी आपका आती है तो आप लोगों ने कहना है कि लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी से इस तरह एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम क्या होता है लाडा, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक हो गया, क्या कहते हैं इस तरह का लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद आपने क्या कहना होता है, उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि भाईजान होता कुछ यूं है, किस तरह कि आपका एक तरह का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनाब आपका एक तरह का जो आपकी लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी होती है इसकी ब्रांचेस बनती हैं। ये कौन सी होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक हो गया, आपने कहना है अब ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी को अपने डिटेल में याद रखना और किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, अब देखें सबसे पहले आप क्या देख रहे हो बच्चों, थोड़ा सा गौर कीजिएगा,
ये जो आपका लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करो, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, जल्दी बताएं, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ऐसे ही है, और इसके साथ ये वाला आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में सप्लाई कर रही है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो सप्लाई करती है, जो लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक हो गया। तो आपने क्या कहना होता है, आपने कहना होता है कि ये जनाब आपका जो आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, ये कहाँ है, ये एंटीरियर सरफेस है, ये किसको सप्लाई करती है, सिंपल सी बात है, ये एंटीरियर सरफेस है। तो आपने जो इसके लिए वर्ड यूज करनी है, आपने कहना है कि एलएडी सप्लाई द एंटीरियर 2/3 इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा। ऐसे ही है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आए, एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा यानी कि 2/3 ऑफ द इंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा को सप्लाई करता है। अब देखें बच्चों, आगे आप लोगों को ये तो पता चल गया कि हाँ जी जनाब ये इसको सप्लाई करती है, दूसरा ये किसको सप्लाई करती है, दूसरा आप लोगों ने ये कहना है कि भाई जान जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो पेपिलरी मसल्स होते हैं, जो माइटल वाल्व के बने, माइटल वाल्व को क्लोज होने में हेल्प करते होते हैं, उन मसल्स के अंदर एक मसल का नाम होता है एंट्रोलेटरल पेपिलरी मसल्स। ठीक हो गया। तो लाडा के अंदर एल आ रहा है, ठीक हो गया, लाडा के अंदर एल आ रहा है, तो आपने इस तरह याद करना है कि देखें ये जनाब आपका जो लाडा है इसके अंदर क्या आ रहा है, एक तरह का एल आ रहा है। तो आपने ये कहना है कि जब लाडा के अंदर एल आ रहा है तो ये क्या होगा, एक तरह का लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग मसल्स जो होंगे वो जनाब आपके, सॉरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होगी वो जनाब आपके एंट्रोलेटरल पैपिल मसल्स को याद कर, मतलब कि इसको सप्लाई करेंगे। इसके बाद आगे क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, वो क्या है, ये क्वेश्चन आता होता है सिंगल लाइन, कभी कभी आ जाता है इजी क्वेश्चन के अंदर आता है कि मोस्ट कॉमन अक्लूजन किस वेसल की होती है, मोस्ट कॉमन जो होती है वेसल वो कौन सी होती है जिसके अंदर जनाब थ्रम्बस बनता होता है। तो आप लोगों ने बच्चों कहना होता है कि लाडा लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आपकी ऐसी होती है जिसके अंदर क्लॉट जो होता है वो लास्ट में बना हुआ होता है। अगर आप रिपोर्ट देखते हो ना आपकी एंजियोग्राफी की, तो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के अंदर मोर देन 90% लाडा इन्वॉल्व होती होती है अगर किसी बंदे का एमआई होगा तो। ठीक हो गया। मैं खुद कई, मतलब कि जब मैं खुद हाउस जॉब के अंदर और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप खुद जाएंगे ना, आप खुद देखोगे कि लाडा सबसे ज्यादा पहले इन्वॉल्व होती है, फर्स्ट द मोस्ट कॉमन वेसल जो कि जनाब जिसके अंदर क्लॉट बनता है वो लाडा होती है। उसके बाद कौन सी होती है, वो आपने क्या कहना है, आपने कहना है आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी इज द सेकंड मोस्ट कॉमन जो होती है आर्टरी जिसके अंदर ऑक्लूजन होती है। थर्ड कौन सी होती है, आपने कहना लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ठीक होगा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है। फिर आपने ये कहना होता है कि आरसीए, लाडा और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, इन तीनों आर्टरी को इकट्ठा क्या कहते होते हैं, ट्रिपल वेसल डिजीज। क्या कहा जाता है आपका, ट्रिपल वेसल डिजीज। और एक क्वेश्चन एक नॉर्मली पूछा जाता है कि जब कभी भी आप भी अपने माइंड में ये रख लें, ठीक हो गया, जस्ट इमेजिन करें एक बंदा आया, उसके जनाब आपकी एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी के अंदर उसकी तीनों वेसल्स इन्वॉल्व है, उसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी इन्वॉल्व है, उसकी राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है, उसकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी इन्वॉल्व है, तो याद रखिएगा उसका कभी भी आपने